देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रशिया में दीपावली पर्व का दिखा अनोखा नजारा। दीपावली का पर्व देश के साथ विदेश में भी धूमधाम से मनाया गया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस में दीपावली के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं देवी देवताओं की सभा दिखाई दी। अपने यथार्थ अस्तित्व को जानकर परमपिता परमात्मा से जुड़कर सभी वी के सदस्य आत्मा रूपी दीपक जगाते नजर आए। आपस में स्नेह भरी शुभकामनाओं और शुभ भावनाओं रूपी अमूल्य गिफ्ट देकर भाई दूज के तिलक के महत्व को जानकर आत्मिक स्मृति का तिलक मस्तक पर सजाए देवी देवताओं के परिधान लिए अलौकिक रास करते सभी दिखाई दिए। ये मनभावन नजारा ऐसा लग रहा था मानो धरा पर स्वर्ग जीवंत हो गया हो। इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने स्नेह प्यार और खुशी से पर्व को आध्यात्मिक रीति से कैसे मनाएं इस पर मार्गदर्शित किया। मुख्य अतिथि सेंट पीटर्सबर्ग में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल कुमार गौरव ने अपने परिवार के साथ शिरकत कर संस्था का आभार व्यक्त किया एवं शुभकामनाएं दी। Diwali is the most important festival of India, and today it has become the global festival. I'll not be speaking much, but I can only wish you all the very best. I can say that, you know, this Diwali brings you the joy, the happiness, the peace and prosperity to all of you. Diwali matlab sab naye. To kya hum vishwas kar sakte hain ki hum sab naye ban sakte hain? सबसे पहले छोटी सी बात हमको इस दीपावली पर ये अपने आप से पूछनी है, क्योंकि बात ये फिजिकल लैम्प्स जगाने की नहीं हो रही, बात हो रही है खुद को आत्मा रूपी दीपक को जलाने की। क्योंकि जब मैं एक दीपक जगूंगी तो मेरे लेफ्ट और राइट वाले को तो जरूर जगाएंगे कि नहीं जगाएंगे, हम सब इस पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की जीवन शैली जी। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय ने विश्व शांति के लिए योग एवं शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं का दान देने के सहयोग के लिए सभी से आग्रह किया। इस दिवाली उत्सव में इंडियन कॉन्सुलेट स्टाफ के साथ करीबन 10 सिटीज से गणमान्य लोग शामिल हुए। The light and might of Supreme Father to this land, Russia is playing a very big role for the future of the world, but definitely we all need, we all have to shower that light which needs to everyone living on this planet. 80 मुस्लिम बच्चों ने लिया ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान। बिहार राज्य के समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल की पुरानी चौक मस्जिद और मदरसा जिया उल उलूम में एकत्रित हुए करीब 80 मुस्लिम बच्चों और लोगों को परमात्मा ज्ञान मिला। मौलवी मोहम्मद नासिर की देखरेख में मोबाइल वैन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराते हुए स्वयं की असीम सुषुप्त शक्तियों की ओर ध्यान खिंचवाया। साथ ही राजयोग का अभ्यास करवाते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा भी करवाई। अंत में मौलवी मोहम्मद नासिर ने आवाम सहित सभी बच्चों से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीके राजीव सहित ब्रह्मा कुमारीज रोसड़ा की बीके कुंदन और बीके मधुकर का अथक सहयोग रहा। छत्तीसगढ़ भिलाई में सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में दीपों के पर्व महापर्व दीपावली को उमंग उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः राजयोग सत्र के पश्चात भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा ने सभी को दीपावली पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। मनुष्य आत्माओं से उम्मीद रखना अर्थात परेशान होना हमारी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता हो नहीं सकती। इस अवसर पर डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीतों पर प्रस्तुतियां दी। वहीं कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी में खुशी प्रसन्नता उमंग उत्साह का समा बांध कर आनंद से भरपूर कर दिया। इस दौरान सभी बीके सदस्य गीतों की धुन पर खुशी में नाचते नजर आए।
करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र की ओर से दीपावली का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आर्ट एंड कल्चर विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि दीपावली दीपों की रोशनी का पर्व है। यह पर्व नकारात्मकता व अपवित्रता के अंधकार से दूर सकारात्मकता व पवित्रता की ओर ले जाता है। इस दिन नया बही खाता आरम्भ करते हैं, जो की पुराने संस्कारों और कर्मों के खाते को खत्म कर नए श्रेष्ठ कर्मों का सुख का खाता आरंभ करने का प्रतीक है। अब बाबा ने आकर के हमारा दीपक जगाया, ब्रह्मा बाबा का जगाया, ब्रह्मा बाबा ने अनेकों की जगाई, अब हमको भी क्या करना है? और जो आत्मा रूपी दीपक अभी जगे हुए नहीं है, ज्ञान देकर के उन आत्माओं को भी शिव बाबा परम ज्योति के साथ जोड़ करके उनका भी आत्मा रूपी दिया जागृत करना है। इस मौके पर बीके रेणु ने कहा कि स्थापना का दिवस इस यज्ञ में दादियों के समर्पण और ब्रह्मा बाबा के तन मन धन से अर्पण करने का दिवस माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में भी बड़े ही हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जाता है। बीके संगीता ने भी इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक्सरसाइज करवाई। वह मुख्य अतिथि SP चौहान ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। वहाँ पे हम 4 दिन शिखा दीदी के साथ रहे और हमने उस सच्चे ज्ञान को समझा कि रियली परमात्मा क्या है, जो हमने महाशक्ति बचपन से सुनते आए थे। वो शक्ति कुछ और थी, वो पखंड था। आज सच्चे परम पिता परमात्मा का ज्ञान सुनने को मिला और सारा अंदर तक चला गया। दीपावली के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर दीपावली दिव्यता और जीवंतता का पर्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, CBI, हुडको, BMTPC, CPWD आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संगोष्ठी में प्रश्नोत्तर हुए, साथ ही सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। वहीं सभी ने दिए जलाए तथा स्वयं के लिए कुछ नए संकल्प लिए। इस अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने दीपावली की शुभकामनाएं सभी को दी। जीवन में जब मैंने यहाँ पर अच्छे से ज्वाइन किया 2016 के बाद कोर्स किया, मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है, जो हम केवल सुनते हुए आए थे कि क्षमा क्यों कर देना चाहिए, ठीक है लोगों ने बताया भाई क्षमा कर दो, लेकिन क्षमा क्यों कर दें? क्योंकि बरसों की चीजें लेके हम चलते रहते हैं, 15-15, 20-20 साल पुरानी, और वो हमारे मन को, वेट चाहे हमारी बॉडी का हो या हमारे मन का हो, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। मन को कैसे हल्का रखें, वो सब हम यहाँ सीखते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने दीपावली पर्व को विश्व का पर्व बताते हुए कहा कि बाहर की सफाई के साथ साथ मन को भी निर्मल बनाने की आवश्यकता है। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम दीपावली पर क्या करेंगे, कहते इसको माफ नहीं करूंगा तो फिर नुकसान तो मुझे हो रहा है ना, बोझ तो मैं लेके चल रहा हूँ ना, बीमारी तो मुझे लगने वाली है। तो दिवाली का सबसे पहला संदेश ये है कि मुझे किसी के बारे में कोई भी बात यहाँ नहीं रखनी, यहाँ मुझे परमात्मा को बिठाना है, क्योंकि मेरा मन है मंदिर, और मंदिर में कौन बैठता है, मंदिर में मूर्ति बैठती है। तो मैंने ये व्यर्थ की बात है, मंदिर में कोई कचरा रख ले, हम तो कभी मंदिर में ना आए, तो बड़ी गंदगी फैलाई हुई है। इसलिए मुझे अपने मन को क्या करना है, साफ सफाई कर ले। शुभ दीपावली एवं भैया दूज पर्व के अवसर पर शुभकामना लेन देन तथा लक्ष्मी सरस्वती एवं गणेश की चैतन्य झांकी सजाकर बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश के सांसद हरिप्रभा गढ़की श्रेष्ठ ने अपनी शुभकामना में देश विकास एवं संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की सराहना की। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए ज्ञान सूर्य परमात्मा से संबंध जोड़कर अंधकार को मिटाने का सभी से आह्वान किया। इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि रामेछाप जिले के सहायक DCM दीपक कोइराला ने मानव की सोच को सकारात्मक बनाने के लिए ज्ञान प्रकाश को आवश्यक बताया। आगे अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और पर्व की शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।